भगवान ही सर्वश्रेष्ठ नारायण कहलाए श्री कृष्ण के नहीं है। और परीक्षा किसने ली? भृगु जी ने। ये श्लोक बोलिए आप लोग, सब लोग हाथ जोड़ के बोलिए और जोर से बोलो, जरा बोलो, अतीव कोमलो चरणों ते महामुनि इति युक्त्वा विप्रचरणं मर्दयन् स्वेन पाणिना पाणिना। भगवान के छाती पे लात मारी, तीन देवताओं की परीक्षा ली एक संत ने। पहले तो परीक्षा ली शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, और फिर गए विष्णु भगवान। ब्रह्मा जी के बेटे लगते हैं भृगु जी, तो उनको नमन नहीं किया, बस खड़े हो गए ब्रह्मलोक में जाके। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ये मेरा बेटा कैसा होगा, न राम राम कही, न जय श्री कृष्ण कही, न राधे राधे कही, तो गुस्सा हो गए। तो वो तो रीडिंग नोट करने आए थे। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। दूसरे शंकर जी, शंकर जी भैया लगते हैं। तो शंकर जी ने देखा भृगु जी आए हैं, तो उठ गए कैलाश पर्वत पे, गले लगे, आओ आओ भैया भृगु, भृगु जी आ जाओ। तो जैसे ही पास में आए तो झिटकार दिया, शंकर जी को झिटकार दिया भृगु जी ने, दूर दूर नंगा बाबा, शरीर पे ये मुर्दों की धूल लगा रखी है और भने लटका रखे कुंडल पुंडल, अरे जा कैसा भेस है, मैं नहीं लगता हूं। तो भगवान शास्त्र में वर्णन आया है, शिव जी क्रोधित होकर त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए। पार्वती ने कहा ठहरो प्रभु शांत, रीडिंग नोट कर लो, क्योंकि तीन देवों की परीक्षा कर रहे हैं। तो यहां महादेव की बुराई नहीं हो रही, भगवान ने उनको क्रोध करने के लिए बिठाया है। जब तक क्रोध नहीं करेंगे तो इस सृष्टि का प्रलय नहीं करते हुए, क्या हंसते हंसते कोई प्रलय कर लेगा ऐसे, जल जाओ पूरा संसार जल जाए, ऐसे नहीं होगा। तो तांडव नृत्य करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवा, जटा कटा संभ्रम। तो भगवान चंद्रमौली उस क्रोध को धारण करते हैं ताकि भगवान की सेवा कर सके, सृष्टि पड़ लगी। ऐसे कभी कभी कोई भक्त भी क्रोध करता हुआ दिखाई देगा, संत भी, लेकिन अंदर से वो मक्खन है मक्खन। वो क्रोध क्यों कर रहा? क्योंकि भक्ति भर भगवान के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसलिए वो उफन रहा है बेचारा कि टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं फालतू की चीजों में। अरे प्रेम बनाए रखो, किसी की कह सुन से में नहीं आना चाहिए। भक्त फिर चला जाएगा ना एक बार दुनिया से, तो ढूंढते रह जाओगे, सब पैसे वाले मिलने करने वाले मिलेंगे, 18 लाख 20 लाख में होती है, उनको ही महान बनाओगे। एक व्यक्ति ऐसा भी तो घूम रहा है भारत में जो ना कीर्तन का कोई ठहराता है, ना कथाओं का।